वसीम भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शहर की तमाम विपक्षी पार्टियों के मतलब पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ईमान वालों को और ईमान वाले खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर। तो हम यहाँ पर यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शहर को और मुल्क को एक अमन की फजा मिले। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी टिप्पणी होती है, कभी जो है कुरान मजीद के बारे में तहरीफ के लिए कोशिश होती है। पुलिस से पूछे क्यों गिरफ्तार नहीं किया, मैं तो गया था, मैं तो वहाँ एजिटेशन किया, मैं वहीं पर बैठ करके एजिटे, मैं अकेला थोड़ी किया, हम सात लोग थे वहाँ पर। मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज एफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन। जिनकी मोहब्बत में सारे मुमरा वाले हमेशा से इस दर पर हाजिरी देते हैं, यहां से बहुत सारे लोग फैज़ उठाते हैं। मुसलमानों में औलिया अल्लाह के जो मकाम हैं, मुसलमान जिस तरीक़े से अपने वलियों से मोहब्बत करता है और उनके लिए इजहार तशक्कुर के लिए, उनकी आज़मत के लिए जिस तरीके से गुलाहे अकीदत पेश की जाती है, जैसा कि इस वक्त यहाँ पर सब लोग इस शहर के जो नामवर हैं, इस शहर के अंदर बहैसियत मुसलमान अपनी कौम के खिदमत गुजार हैं, यहाँ पर आ कर के बाबा फ़खर के सामने अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हम लोगों का ये अकीदा है कि इस्लाम अमन पसंद धर्म है, मज़हब है, इससे किसी भी और मज़हब को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाती। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के मज़हब के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके धर्म गुरुओं के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके संतों के बारे में बुरा भला कहते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है। इसकी हम सब जो है कड़ी निंदा करें। हम यहाँ पर आए थे हज़रत के आस्थाने पे, यहाँ से हम दुआ करें हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर, हमारे स्टेट में महाराष्ट्र के अंदर, हमारे शहर प्यारे मुमरा के अंदर अमन व अमान कायम रखे, हर मुसलमान और हर शहरी के लिए एक फैज़ का सबब बने। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए वली का दर्जा रखे, हमारी उनकी अपनी आस्था है। आप तारीफ जो बनाना चाहे बना लें, लेकिन जो हमारे दिलों के अंदर उनके लिए मोहब्बत है, ये ता कयामत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हर धर्म समुदाय के लोग आते हैं और जो संत हैं, जो सूफी है, उनसे फैज़ पाते हैं। बहुत ही तुच्छ लोग होंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले और ऐसे कल्प्रिट्स के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ये चादर चलाने का सिलसिला जो हमारी अकीदत है, ये हमारे यहाँ के जमीयत के प्रेसिडेंट हैं जनाब हाजी नईम नज़ीर ख़ान साहब, और हमारे बाकी सब यहाँ कलीम जमई साहब मौजूद हैं, खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, आसिफ भाई मौजूद हैं, मेरा भाई बादशाह सैयद है, फिरोज़ अंसारी साहब हैं, सलमान हैं, आमिर भाई हैं, हयात हैं, और भी सब लोग यहाँ पे, देखिए शहर के सब लोग यहाँ पर हैं, और ये तो आना ही यहाँ पर, ये डर ही ऐसा है कि यहाँ से फैज़ बटना है। तो हम यहाँ पर यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शहर को और मुल्क को एक अमन की फजा मिले। वसीम भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शहर की तमाम विपक्षी पार्टियों के मतलब पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, फिर बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, MIM की हो, तो काफ़ी लोग यहाँ। एक मिनट, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ईमान वालों का दरबार है और ईमान वाले खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर, यहाँ कुछ नहीं है, ना कांग्रेस नहीं, समाजवादी नहीं, MIM नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक, यहाँ से बाहर सब है, यहाँ ईमान वाले लोग और यहाँ ईमान के ऊपर जो इतने मजबूत हैं वो आए हुए हैं, दीन की मजबूती बताने के लिए आए हैं कि हम ईमान वालों के साथ हैं
और जो हमारे साथ ऐसा बोला गया है हमारे रहमत अल्लाह के बारे में, तो मैं जानता हूँ उन्हें कुछ मालूम दी थी। उन्होंने ये कहा कि वो बाप मर गया था, बेटा उनको मार डाला था औरंगज़ेब ने, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ। तो उनको ये नहीं मालूम है कि औरंगज़ेब के वालिद कौन थे। औरंगज़ेब के वालिद शाहजहाँ थे, और जब शाहजहाँ अपनी मौत मरे उनको किसी ने मारा नहीं था और किसी बेटे ने नहीं मारा था। एक भाई भाई की लड़ाई होती है, भाई घरों में होती है, उन्होंने जो किया वो ठीक है। ठीक है, हमारे मज़हब के अंदर उनको रहमतुल्लाह का खिताब था, इसके आगे कुछ नहीं। जो जो जैसा भूलेगा करेगा इंशाल्लाह ताला वैसा भुगतेगा। अल्लाह ने इच्छा हमारे शहर में हिफ्ज़ और अमान रहे, बस इसकी दुआ मांगे। जमील जी, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि अभी जो शहर में का माहौल चल रहा है कि हजरत जनाब रदीब आलमगीर रहमा के बारे में जिस तरह से हमारे विधायक जी ने कहा है, टिप्पणी किया है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और आज हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन सूफ़ी जनाब फखरुद्दीन शाह बाबा के दरबार में हाजिर होकर के आज इस बात के लिए इत्तेहाद की अपील करते हैं। हम तमाम मुमरा के आवाम के लिए से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, और जब आप मुत्तहिद होंगे, हम तमाम लोग एक इकट्ठा होकर के एक प्लेटफॉर्म दें, इसलिए यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि मुमरा के आवाम को एक मैसेज देना चाहते, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप तमाम लोग होश हवास से कान खोल करके सुनिए और इस चीज़ पर अमल करिए कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी टिप्पणी होती है, कभी जो है कुरान मजीद के बारे में तहरीफ के लिए कोशिश होती है, हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग औलिया किराम के साथ इस तरह की गुस्ताखी होती है, तो ये हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कतई हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक हमारे बदन में हमारे जिस्म में ताकत है और खून एक एक की एक एक बूंद मौजूद है, हम हयात से जब तक हैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे ये लोग हमारे खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन मुमरा की आवाम के सामने अगर हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं तो ये हमारा हक है कि हमारे साथ होने वाले हर जुल्म जबर गुस्ताखी और इस तरह की बदतमीजियों को हम रिजेक्ट करके उनके खिलाफ आंदोलन करना हो, चाहे लड़ाई लड़ना हो, चाहे जो भी करना हो, उसके लिए मुमरा की आवाम का साथ लेकर के इंशाल्लाह आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे दरमियान हमारे बुज़ुर्ग जनाब नईम खान साहब, वसीम सैयद साहब और तमाम इस शहर के अमायदीन खड़े हैं, और ये लोग आज हम तमाम लोग ये वादा करते हैं कि हम जब भी इस तरह की बात होगी हमारे शहर को ख़राब करने की, हमारे शहर के माहौल को ख़राब करने की, हमारे बुजुर्गान दीन या हमारे मज़हब के मुतालिक किसी भी तरह की अगर कोई गुस्ताखी करेगा, तो हम तमाम लोग इसी तरह मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ करके लड़ने का काम करेंगे और उनको जेल की सलाखों के पीछे इंशाल्लाह डलवाएंगे। वसीम भाई, किस तरह से मतलब चादर पेश किए और अमन शांति के लिए, अब यहाँ से बैठ के क्या संदेश दें? ये एक निशानी है उन लोगों के लिए कि शहर के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम एकता कायम है और एक दूसरे के धर्म स्थलों को, धर्म के स्थानों को, धर्म गुरुओं को, संतों को, वलियों को आदर की निगाह से देखना, इज्जत की निगाह से देखना, सम्मान की निगाह से देखना, ये आज भी उसी भारत का कल्चर है जिसे सारी दुनिया में एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। अगर शहर के अंदर ऐसे हालात हों तो वो लोग जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना करके पेश करते हैं, वो लोग कभी टीका लगा करके पंडित बन करके आ जाते हैं और कभी टोपी पहन करके मौलाना बन करके आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज जब शहर को इस चीज़ की ज़रूरत है, आज पूरा महाराष्ट्र इस तरफ यहां पर मुमरा की तरफ देख रहा है क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आमदार ने एक धर्म गुरु के बारे में, एक धर्म संत के बारे में एक अक्षरशीर वाले बयान दे दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जबरदस्ती टीआरपी दोगे, बीजेपी जाने का टिकट मिलेगा। जब ऐसे हालात है तो कहां है वो लोग? ऐसे तो केक पर हाथ उठा के फातिया पढ़ने के लिए फौरन पहुंच जाते, ऐसे अगर कुछ बात हो जाती है तो उनके सपोर्ट के अंदर पॉलिटिकल प्रचार के लिए बराबर माइक लेके खड़े हो जाते मस्जिदों के बाहर। जब इस वक्त शहर को जरूरत है तो कहाँ आया वो? और जब जरूरत थी और जब आपको नहीं बोलना था तो अगली बार भी अब आपको आने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये फैसला लिया गया है
जनाब हाजी नईम नज़ीर खान साहब जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं इस थाना सिटी के, ये जो ऑफिस है यहाँ पर जमीतुल मुस्लिमीन की जो कब्रस्तान से लगी हुई है, अब जो है हम यहाँ से जो है वो अगर किसी शहर के अंदर कोई मुद्दा का हम यहाँ पर सही आलिम को लाएंगे, हम सही मौलानाओं को यहाँ पर लाएंगे, उलमाए हक के साथ जो है ये लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी, ये हमारा यहाँ से आज से पैगाम है। इसके पहले जो यहाँ के जो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है इतना सिंधे, उन्होंने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, तब आप लोग खामोश क्यों थे, तब क्यों नहीं आप लोगों ने इसके इसका विरोध जताया था? आपने गुस्ताखी का वीडियो कब देखा? जिसने आपको वो वीडियो भेजा है, जिसने आपको वीडियो वो भेजा है मोइन भाई, वो इस वक्त जो है ना इस मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गुस्ताखों के साथ है, ये लोग यहाँ बैठे हुए क्या जाहिर करता है, ये तो वलियों की और संतों की मोहब्बत में साथ में बैठे हैं ना, हम किसी के धर्म को बुरा करने वालों के साथ नहीं है, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे बुश रहे, चाहे अमरीका रहे, बात जब आई इस्लाम की, बात जब आई किसी धर्म के ऊपर बात करने की, तो कोई भी रहे इंशाल्लाह ये सीना सबसे आगे नजर आएगा आपको गोली खाने के लिए। ये जो कर रहे हैं ना, जो जिनके मुंह में जबान नहीं है, क्यों खामोश है वो? आप मैंने तो देखा ही नहीं वो वीडियो, बताइए आप कब 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 वायरल हो, बताइए किसी ने देखा है, बताइए कब वायरल हो, बताइए ने किया था उसका उसका। अरे वो आनंद ब्रांचपे को तो सुवर बनाए थे हमने, शिंदे का तो कोई वीडियो वायरल हुआ, और शिंदे का भी तो, शिंदे कौन है? अरे भैया कोई हमारे धर्म से बढ़कर है? और अगर मैं आपको बोलता हूँ, चलो चैलेंज करता हूँ कि बोल दे अभी यहाँ पे आके सभा लेकर के, देने को तैयार है ना जान? हम तो गए थे कल ना अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए गए थे ना, नहीं क्यों फॉरवर्ड करें भैया? आप क्यों उसके अंदर शामिल हो रहे हैं उन लोगों के अंदर, जानबूझ करके शहर का माहौल खराब करने के लिए? पुलिस से पूछे क्यों गिरफ्तार नहीं किया? मैं तो गया था, मैं तो वहाँ एजिटेशन किया, मैं वहीं पर बैठ करके एजिटे, मैं अकेला थोड़ी किया, हम सात लोग थे वहां पर इस आचार संहिता का, हम कानून को पालन करने वाले लोग हम हैं, कानून को पालन करने वाले, और कोई मुसलमान अकेला नहीं गया था वहां पर, अड़सुले भी गए थे हमारे साथ, जैन भी आए थे हमारे साथ, पाटिल भी आए थे हमारे साथ, सैयद भी थे, शेख भी थे, खान भी थे। हम तो आज भी इस यहाँ पे अखंडता और एकता के प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको शहर का माहौल नहीं खराब करना, हमको इस देश का माहौल नहीं खराब करना। ये जो बैठ के दूसरों को बोलते हैं ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करो, अरे नालायक को तुम, आज हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब बात आई तो तुमने अपने साहब को प्रेफरेंस दिया, रोजे मैशर क्या बोलोगे अल्लाह को कि हमने हमारे आमदार की साथ ली, हमने तेरे वली तेरे दोस्त को पछाड़ दिया, हमने उसको पीछे कर दिया, हमने हमारे दीन को पीछे कर दिया। अरे नहीं चाहता था इतना बोलने के लिए, लेकिन आपको जिस साजिश के तहत आपको वीडियो भेज करके यहाँ पे सवाल पूछने पे मजबूर किया गया, उसका ये जवाब। अच्छा यहाँ पे मतलब और भी कई पार्टी के लोग हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी की भी है, आपने वो बोला पार्टी का हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? जहांगीर भाई आप यहाँ पर है, मैं आपको वापिस से एक बार मतलब आपने ये बात करी तो अभी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्विटेशन देखिए उसके अंदर कैसा इन्विटेशन है, हर वो जो वलियों से मोहब्बत करता है, हर वो जो धर्म गुरुओं से मोहब्बत करता है, उसको यहाँ पर आने के लिए बुलाई है। आए दूसरे लोग आए, नहीं जाते ना मोदी मीडिया, और मोदी मीडिया कहाँ पहुंचती है? आए दूसरे लोग, किसी की बात नहीं करूंगा, आप आए, आपके दिल में मोहब्बत थी इसके लिए आप आए। जहांगीर भाई उन्होंने फोन किया मेरे को, पांडे साहब कवरेज के लिए आए होंगे, मेरा भाई अजीज आया हुआ है, वो भी मतलब यहाँ पे मोहब्बत के लिए। कैमरा तो क्या हो गया ना, जरूरत होगी बात पहुंचाने की, वो कैसे पहुंचा रहे अपनी बातें, गलत वीडियो सर्कुलेट करे ना। अरे हमारी छोड़ो, हमारी बात क्यों करते? तुमको लगाना कि गलत है वो हजरत औरंगजेब के बारे में एकनाथ शिंदे ने बोला है? एकनाथ शिंदे साहब ने बोला उनकी तरह बोला ना, गलत लगा है? पहले तुम्हारा साहब उनका दोस्त था ना, जाओ तुम्हारे नर्दा में, तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने कलमा नहीं पढ़ा है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। हमारा तो ईमान जिंदा है, तो हम यहाँ पर आए, हम तुम्हारे साहब के पीछे खड़े रह के रहे ना, हाथ नहीं जोड़े हुए, इस मामले में आमदार के जो उलमा है, जो उनके उलमा उनके उसमें आते हैं, उनसे आप लोग जरा सवाल करिए कि आपकी क्या राय है इसके अंदर, और जो आमदार है उनके जो पदाधिकारी हैं, जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए
कि आप उनके साथ हैं कि आप आवाम के साथ हैं। ये आप मीडिया वाले से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाके पूछें। उसके पर बैठ के तुमने आंदोलन किया, आज मुसलमान के ऊपर ऐसा कर रहे हो, तुमको क्यों नहीं आया जा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।